नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठी बार केदारनाथ के द्वार पर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। ये तस्वीर आप देखें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बाबा के दर पर पीएम मोदी पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां से इस समय मंदिर से बाहर निकलते हुए तो आपको बता दें कि दीपोत्सव से पहले देवभूमि के दौरे पर केदारनाथ में ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीर है जो आप देख सकते हैं पूजा करके बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी जो तस्वीर है वो अब से कुछ देर पहले की है जब मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए बाबा के दर पर पहुंचे, बाबा की भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि अभी केदारनाथ में है, यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मंदिर में पूजा अर्चना कर अभी निकले हैं। इसके बाद बद्रीनाथ भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी इस समय केदारनाथ में बाबा के दर पर, और इसके बाद आपको बता दें कि बद्रीनाथ भी जाने वाले हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीधी तस्वीर है इस समय की और दूसरी जो तस्वीर है वो पूजा अर्चना करते हुए अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है पीएम मोदी की। तो पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि केदारनाथ के दौरे पर लगातार पीएम आते रहे हैं। ये छठी बार है जब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बाबा के दर पर, बाबा के धाम में। और आपको बता दें कि यहां पूजा अर्चना उन्होंने किया और इसके बाद अब जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्हें बद्रीनाथ जाना है। बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना करेंगे। बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है मंदिर परिसर को। तो आपको बता दें कि अभी बाबा के दर पर पीएम मोदी, ये आप तस्वीरें सीधी देख पा रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और एक सीधी तस्वीर है। तो बाबा के प्रति पीएम मोदी की आस्था जग जाहिर है और ऐसी वजह से अक्सर बाबा के दर पर पीएम मोदी आते हैं, बाबा का आशीष लेते हैं और आज भी एक बार फिर से वो पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि दीपोत्सव से पहले ये बेहद खास दौरा पीएम मोदी का उत्तराखंड का, जहां केदारनाथ में इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिलहाल वो मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए, परिक्रमा करते हुए ये आप तस्वीरें देखें। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो अब से कुछ देर पहले की है जब पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जहां पर बर्फ से ढकी चोटियां आपको नजर आएंगी और ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने पहुंचे, बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं, बाबा से आशीर्वाद लिया और अभी पूजा अर्चना करके मंदिर से वो बाहर निकले हैं। आप देखें तो फूलों से बेहद आकर्षक ढंग से मंदिर को सजाया गया है, बाबा का आशीर्वाद लिया है पीएम मोदी ने, सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद। और इस समय पूजा अर्चना करके बाहर आ चुके हैं मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो दूसरी तस्वीर है वो उस समय की है जब वो बाबा के दर्शन करने मंदिर में पहुंचे थे, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो बाबा के प्रति पीएम मोदी की जो आस्था है वो जग जाहिर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर में पूजा अर्चना कर बाहर निकले पीएम मोदी। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद
अभी अभी मंदिर परिसर से पीएम मोदी बाहर निकले हैं और यहां से अब जो जानकारी है बद्रीनाथ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर पहुंचे हुए हैं हैं वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देखिए जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं उसके पास अभी भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। तो बाबा के दर पर पीएम मोदी तो ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग भी पहुंचे हैं। पीएम मोदी पूजा अर्चना किया है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी और उनके साथ आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। ये दूसरी जो तस्वीर है उस समय की है जब गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे, उस समय की तस्वीरें। तो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो केदारनाथ धाम की, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो बेहद अहम है। और सबसे खास बात अगर आप देखें तो पीएम मोदी जो हैं उनका ड्रेस जो है वो हमेशा चर्चाओं में रहता है। इस बार भी बेहद आकर्षक ड्रेस जो है वो पीएम मोदी ने पहना है और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस पहनी है। ये चांबा की एक महिला ने अपने हाथों से बनाया है। पीएम मोदी के हाल ही में हिमाचल के दौरे के दौरान उन्हें ये गिफ्ट दिया गया था, उसी ड्रेस को पहन करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। तो इस समय ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएम मोदी उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो पूजा अर्चना कर अब वहां से बाहर आते हुए पीएम मोदी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो मंदिर परिसर में इस समय भ्रमण करते हुए एक एक कोने में जाकर भ्रमण करते हुए जो लोग वहां पे हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी और अब फिलहाल वो मंदिर परिसर से बाहर जाते हुए ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्थिति ये है कि हजारों की तादाद में लोग भी यहाँ पहुंचे हैं जो वहां मौजूद हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए कई मायनों में ये दौरा जो है वो पीएम मोदी का बेहद अहम है क्योंकि बाबा के दर पर पिछले कुछ वक्त से लगातार पीएम मोदी आते रहे हैं और ये छठी बार है जब पीएम मोदी यहाँ पहुँचे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि करीब 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। रोपवे जैसे अहम बुनियादी ढांचे का विकास
धार्मिक पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा देगा, जिसका आज शिलान्यास करने वाले हैं, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिल सकती है, ये भी संभावनाएं हैं। तो पीएम अपने इस दौरे में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इनमें दो सड़क है, आपको बता दें कि माणा से माणा पास नेशनल हाईवे 7 और जोशीमठ से मलारी नेशनल हाईवे 107 भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी 3,400 करोड़ से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि गौरीकुंड को केदारनाथ से ये रोपवे जोड़ेगा। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, यह गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। तो ये जो तस्वीर है वो सीधी आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद भव्य ये तस्वीरें आप देखें तो केदारनाथ धाम की। आपको बता दें कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम रहा है अभी तक का, उसमें पीएम मोदी ने दर्शन किए, पूजा अर्चना का जो समय था, इसके बाद 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो ये आप देखें, इस समय दर्शन पूजन करते हुए ये इस समय आपको बता दें कि पीएम आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल जो निर्धारित किया गया है पीएम मोदी का कार्यक्रम, बिल्कुल अपने समय पर, क्योंकि 9 बजे केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करके अभी पीएम मोदी निकले हैं और यहां पे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर इस समय उनके दर्शन करते हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद अब से कुछ देर बाद करीब 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये कार्यक्रम है पीएम मोदी का, इस समय परिक्रमा करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का। ये तस्वीरें आप देखें उत्तराखंड के केदारनाथ से, जहां आदि गुरु शंकराचार्य का जो समाधि स्थल है उसकी परिक्रमा करते हुए, उन्हें नमन करते हुए पीएम मोदी, ये तस्वीरें आप देखें। तो ये आप तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं और इस समय पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं परिक्रमा करते हुए। और आपको बता दें कि उनके साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा उनके साथ जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, वो भी उनके साथ हैं। तो बाबा के दर पर पीएम मोदी, बाबा से खास आस्था भी है, बाबा के साथ आस्था भी जुड़ी हुई है पीएम मोदी की। लंबे वक्त से यहां आते रहे हैं, ये छठी बार है जब पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं केदारनाथ धाम यहां दर्शन करने के लिए। अब देखिए आगे के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम आपको बताएं। तो 9:25 पे मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि करीब 11:30 पर बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि इसके बाद एक बैठक भी करने वाले हैं और 12:30 पर माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे अराइवल प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो ये कार्यक्रम है आज उत्तराखंड में पीएम मोदी के। ये तस्वीरें सीधी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी इस समय बाबा के दर पे, 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम में पीएम मोदी का अब तक का दौरा। पहली जो तस्वीर है वो गर्भगृह की है केदारनाथ धाम की, जहां पे पूजा अर्चना कर रहे प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी जो तस्वीर है केदारनाथ धाम की, भव्य ये तस्वीरें, खूबसूरत ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत ये नजारा आप देख सकते हैं। और तीसरी जो तस्वीर है आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने यहां पे परिक्रमा की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो केदारनाथ धाम का ये दौरा पीएम मोदी का, बेहद खूबसूरत ये नजारा, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कई विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, कई सारी सौगातें उत्तराखंड को आज मिलने वाली हैं। छठी बार बाबा के दर पर पहुंचे हैं पीएम मोदी, ये आप देखें गर्भगृह में पूजा, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बर्फ से ढकी ये चोटियां
और यहां अगर आप देखें तो इस नजारे को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजारा और कितना अहम ये दौरा पीएम मोदी का। तो इन तस्वीरों को आप देखें, बाबा के दर पर पीएम मोदी पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना पीएम मोदी ने इस समय की है। शिव साधना में पीएम मोदी लीन और उन्होंने बाबा के दर पे दर्शन किए, पूजा अर्चना किए और उसके बाद अब इस समय आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का दर्शन किया और यहाँ पे अब कुछ विकास कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा पीएम मोदी करने वाले हैं। तो एक तस्वीर इस समय गर्भगृह की हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो है सीधी तस्वीर है जो इस समय परिसर में भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरी जो तस्वीर है वो आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पीएम मोदी, वहां उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद परिक्रमा की। तो आज का ये बेहद खास दौरा उत्तराखंड का, कई मायनों में अहम विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली है उत्तराखंड को, और बाबा के दर पर पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये बेहद खूबसूरत, बेहद विहंगम ये दृश्य आप देख सकते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ की ये तस्वीरें, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आपको नजर आएंगी। इन वादियों के बीच बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे, आप ये तस्वीरें देखें। अब यहां से प्रस्थान करते हुए पीएम मोदी और उनके साथ पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो कई सारी सौगात आज उत्तराखंड को मिलने वाली हैं और यह तस्वीर है आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की। यहां पे भी पीएम मोदी ने दर्शन किए, परिक्रमा की और वहां से फिर वो निकले हैं और इस समय मंदिर परिसर से वो बाहर निकलते हुए, इसके बाद आपको बता दें कि करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ भी पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, वहां भी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रूपवे जैसी सौगातें आज मिलने वाली हैं। कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारी सौगात जो है वो उत्तराखंड के हाथ लगने वाली है, पीएम मोदी ये सौगात जो है वो देने वाले हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री परिक्रमा करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की, सीधी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले भी जो लगातार तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जहां पे आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्होंने यहां पे आशीर्वाद लिया आदिगुरु शंकराचार्य का। ये आप तस्वीर देखें, तो तीन तस्वीरों के जरिए केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की पूजा अर्चना की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर है जो आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम के गर्भगृह की है, दूसरी तस्वीर आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की, और तीसरी जो तस्वीर है वो पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर से, मंदिर से गर्भगृह से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। तो लगातार ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, और यहां से फिलहाल पीएम मोदी, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गुरमीत सिंह, उनके साथ राज्यपाल उत्तराखंड के, वो भी यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। कई सारी समीक्षाएं जो हैं वो करने वाले हैं पीएम मोदी, कई विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी बद्रीनाथ भी जाने वाले, बद्रीनाथ लगभग 11:30 पर वो पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे।